किसको मिलेगी ताली, किसके हाथ रहेंगे खाली, किसके सिर बंधेगा जीत का सहरा, किसका उतरेगा हार से चेहरा। चुनावी नतीजों का सटीक और बेबाक विश्लेषण देखिए हमारे साथ 11 दिसंबर सुबह 7 बजे से लगातार। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पसीना बहाने के बाद अब पीएम मोदी की नजर लोकसभा चुनाव पर है, जिसके लिए उन्होंने अभी से अपनी कमर कस ली है और बिगुल फूंकने के लिए सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली को चुना है। पीएम मोदी 16 दिसंबर को ड्रीम प्रोजेक्ट रेल कोच फैक्ट्री का जायजा लेने के बहाने रायबरेली पर निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। पिछले 4 सालों में जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उन्हें पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा गया, लेकिन पीएम मोदी का असली इम्तिहान 2019 में है, जिसमें उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए उतरना है। इसलिए पीएम मोदी ने अभी से अपनी कमर कस ली है और मिशन 2019 की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी अपने मिशन की शुरुआत सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से करने वाले हैं। वो 16 दिसंबर को ड्रीम प्रोजेक्ट रेल कोच फैक्ट्री का जायजा लेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में पहली बार पीएम मोदी रायबरेली जा रहे हैं। मोदी की इस यात्रा को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के लिए रायबरेली की सीट काफी अहम है। 2004 से सोनिया गांधी इस सीट से सांसद हैं। प्रचंड मोदी लहर में भी सोनिया गांधी अपनी इस सीट को बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन 2019 में सोनिया को उनके घर में मात देने के लिए मोदी ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत उनके ड्रीम प्रोजेक्ट रेल कोच फैक्ट्री को लेकर पीएम मोदी कई घोषणाएं कर सकते हैं। बीजेपी के इसी प्लान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो रायबरेली में अपने आप को मजबूत नहीं रख पाएगी। बीजेपी की नज़र हमेशा से ही सोनिया गांधी के दुर्ग रायबरेली और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी पर रही है, लेकिन पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अब पीएम मोदी के दौरे से क्या असर पड़ता है, ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।